दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। और आज के इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूं, जहां पर भाई अपना जो ये डेली क्रिकेट का एपिसोड, इस पर जो व्यूज लगातार डाउन जाते जा रहे हैं, जिसके बाद भाई मैंने अपने काफी सारे सब्सक्राइबर्स से पूछा कि आप वीडियोज क्यों नहीं देख रहे हैं। तो भाई वहां पर कॉमनली मुझे यही देखने को मिला कि भाई न्यूज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग नहीं मिल रही है, साथ ही साथ थोड़ी लेंथ ज्यादा बढ़ रही है वीडियो की, जिसके चलते भाई हमने यहाँ पर डिसीजन लिया कि हम शॉर्ट में सभी अपडेट्स आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे, अपने कॉन्टेंट को बिल्कुल बदल देंगे। बस मुझे केवल आप सभी लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, तो आप प्लीज हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। तो आज तारीख हो चुकी है 2 दिसंबर 2022, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी तड़कती भड़कती खबरों की, जहां पर काफी सारी ब्रेकिंग न्यूज हमें देखने को मिली है, और वही सभी अपडेट्स को हम वन बाई वन एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए फटाफट बात करते हैं सभी टॉप खबरों की। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है इंडिया टूर ऑफ बांग्लादेश 2022 को लेकर, जहां पर भारत न्यूजीलैंड के बीच खेली गई सीरीज के बाद अब टीम इंडिया बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाली है। भारत और बांग्लादेश आपस में 5 मैचों की सीरीज खेलेंगे, जिस दौरान 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज होने वाली है। आगाज यहां पर 3 मैचों की वनडे सीरीज के साथ होने वाला है, लेकिन ओडीआई सीरीज की शुरुआत से पहले 3-4 बड़े बड़े अपडेट हमें भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली सीरीज के रिगार्डिंग देखने को मिले हैं। चलिए बात कर लेते हैं सभी अपडेट्स की। तो फर्स्ट अपडेट है टीम के डिपार्चर को लेकर, जहां फाइनल यहां पर टीम इंडिया ओडीआई सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए बांग्लादेश जा चुकी। वहां पर जाने के बाद आज टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशंस भी होने वाले हैं, और 4 तारीख से ऑफिशियली इस सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अपडेट निकल कर आ रहा है बांग्लादेश की टीम को लेकर, जहां पर सीरीज की शुरुआत से पहले बांग्लादेश की टीम को बहुत ही तगड़ा झटका लगाया जाए। इस टीम का बहुत ही प्रमुख खिलाड़ी टास्किन अहमद की यहां पर बात कर रहा हूं, बैक इंजरी के चलते सीरीज से पूरी तरह से रूल्ड आउट हो चुके हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक उनके रिप्लेसमेंट की अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन दोस्तों जैसे ही हमें फर्दर अपडेट देखने को मिलता है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अपडेट निकल कर आ रहा है रविंद्र जडेजा को लेकर। जी हां, सभी लोगों के मन में सवाल था कि क्या जडेजा यहां पर बांग्लादेश दौरे पर वापसी करेंगे। ओडीआई और टेस्ट दोनों ही फॉर्मेट्स की सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड्स में उनको शामिल किया गया था। ओडीआई सीरीज से वो पहले ही रूल्ड आउट हो गए थे, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर शहबाज अहमद को भारतीय टीम में जगह मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों टेस्ट सीरीज वो खेलेंगे या फिर नहीं, इसके ऊपर भी हमें फाइनल अपडेट देखने को मिल गया है। जडेजा अपनी इंजरी से अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं, पर ऐसे में भाई इस टेस्ट सीरीज को वो डेफिनेटली मिस करने वाले हैं, और भाई उनकी रिप्लेसमेंट की भी अनाउंसमेंट आने वाले कुछ टाइम में कर दी जाएगी। सोर्सेज ऐसा क्लेम करेगी नए नवेले खिलाड़ी सौरभ कुमार को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर भारतीय टीम के स्क्वाड्स में शामिल किया जाएगा। बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अपडेट निकल कर आ रहा है सीरीज के लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल्स को लेकर, जहां पर बीसीसीआई ने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है कि भारत में सोनी टीवी इस पूरी की पूरी सीरीज को टेलीकास्ट करने वाला है। सोनी स्पोर्ट्स के जितने भी चैनल्स हैं, सभी चैनल्स पर हमें लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलेगी। यदि आप मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से सोनी लाइव ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जियो सिनेमा ऐप पर भी इस पूरी की पूरी सीरीज की लाइव टेलीकास्टिंग हमें देखने को मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा आईपीएल 2023 को लेकर। जी हां, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, बीसीसीआई और आईपीएल 2023 की सभी टीमें नीलामी की तैयारियां कर रही है। लेकिन दोस्तों कल यहां पर आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग बीसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में हमें आईपीएल 2023 की स्टार्टिंग डेट के ऊपर बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिला। जी हां, अपडेट कुछ ऐसे को यहां पर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2023 में आईपीएल 2022 की शुरुआत होने वाली है। हालांकि आप सभी को पता है पहले सोर्सेज ऐसा क्लेम कर रहे थे भाई यहां पर जो फोर्थ वीक ऑफ मार्च होगा उसी में आईपीएल की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन दोस्तों आईपीएल 2023 हमें फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2023 में देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अपडेट निकल कर आ रहा है इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज को लेकर, जहां पर पहला टेस्ट महामुकाबला रावलपिंडी के स्टेडियम में खेला जा रहा है। और भाई वहां पर पहले टेस्ट महामुकाबले के डे वन में इंग्लैंड की टीम ने जो किया उसकी जितनी तारीफ की जाए वो सीरियसली कम रहने वाली है। डे वन के स्टंप्स हुए केवल 75 ओवर का गेम खेला गया था। पाकिस्तान की टीम ने डे वन में ही 4 विकेट के नुकसान पर 506 रन जड़ दिए, और यहां पर ये बारिश करके बहुत सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इंग्लैंड की टीम ने तोड़ दिए। जी हां, एक ही दिन में इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों ने यहां पर शतक जड़ा है, पहली टीम बनी जिनको ने मतलब डे वन में ही 4 बल्लेबाजों ने जिस टीम के बल्लेबाजों ने शतक जड़ा। उसके अलावा भाई यहां पर टेस्ट क्रिकेट में फर्स्ट डे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड यहां पर इंग्लैंड टीम के नाम हो गया है। और भाई यदि यहां पर पूरे दिन का खेल होता तो भाई कहीं ना कहीं स्कोर और भी ज्यादा जाने वाला था, हालांकि लो लाइट की वजह से मैच को बीच में रुकना पड़ा।
था, केवल 75 ओवर्स का गेम यहाँ पर डे वन में हमें देखने को मिला था। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 को लेकर, जो हमें अगले साल के अंत में भारत में देखने को मिलने वाला है। बीसीसीआई अपनी तैयारियां कर रही, लेकिन इसी बीच बेन स्टोक्स को लेकर बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। जी हाँ, कल यहाँ पर ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आएगी, बेन स्टोक्स अपनी ओडीआई रिटायरमेंट को बैक ले सकते हैं। हालांकि आपको पता है कि बहुत ही बड़े वो खिलाड़ी है और भी थोड़ा सा इमोशनल होकर उन्होंने उस वक्त पर ओडीआई फॉर्मेट से रिटायरमेंट ली थी, लेकिन अब सोर्सेज ऐसा क्लेम करेंगे वो ओडीआई फॉर्मेट में दोबारा से कम बैक करेंगे। लेकिन इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, उनको कम बैक करना चाहिए या फिर नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है वुमेन्स आईपीएल 2023 को लेकर, जहां पर आपको पता है कि बीसीसीआई जोरों शोरों से वुमेन्स आईपीएल के इनॉग्रल सीजन के लिए अपनी तैयारियां कर रही है, छह टीमें पार्टिसिपेट करने वाली है। आने वाले कुछ दिनों में वुमेन्स आईपीएल का टीम्स का ऑक्शन देखने को मिलेगा, जहां पर भाई बीसीसीआई 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए एक्सपेक्ट करेगी, इतना बेनिफिट उनको यहां पर होने वाला है। लेकिन इसी बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, आपकी सनराइजर्स हैदराबाद, ये सभी फ्रेंचाइजियां वुमेन्स आईपीएल में टीम परचेज करना चाहती है आने वाले कुछ टाइम में। जैसी हमें ऑक्शन देखने को मिलते हैं, जैसी हमें फाइनल अपडेट्स देखने को मिलते हैं, तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है हैरी श्रॉफ को लेकर। आप सभी को T20 वर्ल्ड कप 2022 में विराट कोहली के द्वारा सामने लगाया गया छक्का बिल्कुल अच्छी तरह से याद होगा, हैरी श्रॉफ को, पूरे पाकिस्तान को वह छक्का बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। कल यहां पर हैरी श्रॉफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर उस छक्के के बारे में उनसे डिस्कशन किया गया, तो वहां पर उन्होंने ऐसा बोला कि वो छक्का विराट कोहली ने जड़ा, इसलिए उनको बिल्कुल भी दुख नहीं, लेकिन अगर हार्दिक पांड्या या दिनेश कार्तिक उस टाइम पर उनको दो छक्के लगाते तो भाई वो पूरी जिंदगी भर काफी दुख में रहते, लेकिन दोस्तों विराट कोहली ने उन छक्कों को लगाया जिससे वो यहां पर ज्यादा परेशान नहीं नजर आए। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया, उन्होंने बोला कि जब भारत और ऑस्ट्रेलिया 2018 में अपनी सीरीज खेले थे, उस वक्त पर हैरी श्रॉफ यहां पर नेट बॉलर थे, उस टाइम पर भारतीय खिलाड़ी ने उनको काफी ज्यादा अप्रिसिएट किया था, उनको ब्राइट फ्यूचर यहां पर कांग्रेचुलेट किया था, जिसके साथ वो यहां पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों से यहां पर कुछ ज्यादा निराश नजर नहीं आए। विराट कोहली की बल्लेबाजी को उन्होंने काफी ज्यादा अप्रिसिएट किया, उन्होंने बोला कि उस वक्त पर उस टाइप का छक्का केवल विराट कोहली ही लगा सकता है, पूरे वर्ल्ड में उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज उस टाइप का छक्का उस टाइप की गेंद पर इतनी स्पीड वाली गेंद पर सामने का छक्का नहीं लगा सकता है। लेकिन विराट कोहली का वो जो छक्का था, सीरियसली उसने T20 फॉर्मेट के काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। तो दोस्तों ये आज 2 दिसंबर 2022 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, इन सभी खबरों का आपके ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। लाल की स्टूडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करके इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।